हेलो भाई साहब, देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आज आपको गीजर में प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम, इसमें गन महक रहा। गीजर को सर्विस करें, कैसे सर्विस किया जाता है? इससे पहले हम लोग यहाँ से प्लग निकाल देंगे और ये इनलेट बल्ब है, इनलेट बल्ब को यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ से मेरे खोल देंगे, इसे अभी खोल देंगे। यहाँ से पानी पूरा रिमूव हो जाएगा। दोस्तों पानी निकल गया, गीजर को रिमूव करें, उतार लेंगे गीजर को। चलिए दोस्तों, इसमें साउंड प्रॉब्लम है, खुलने से पहले ये इसको निकाल लेंगे, दो नेट को खोल लेंगे। कैरिंग बॉक्स एक गिलास हुआ है, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। ये इंडिकेटर हो गया, ये कटआउट हो गया, इसको हटा लेंगे। तो गोटी से इस सारे नट को खोल लेंगे। एलिमेंट को निकालना है, एलिमेंट निकाल तभी जाके वो अंदर में कचरा जम गया, तभी जाके साफ हो पाएगा। अब ये कैपेरी हुआ है, डाल कटआउट, थर्मोस्टेट का तेल हट गया। आपका थर्मोस्टेट का कैपेरी है, ये कटआउट का कैपेरी है, ये पूरा कंप्लीट हट गया है। ये एलिमेंट प्लेट को निकाल लेंगे। एलिमेंट प्लेट निकलने के बाद ये आपका एलिमेंट है, इसी के वजह से ये पूरा साउंड हो रहा था। इसके अंदर हम देखिए, ये सब चूना भर गया, इसी की वजह से पूरा ये साउंड आ रहा था। स्मेल करता है, पानी पानी गंद आता है, इसी की वजह से आता। हम लोग इसको रिमूव कर लेंगे। ये कचरा पूरा बढ़ गया, कचरा को पूरा सर्विसिंग करेंगे। इसको हम लोग वाशरूम में सर्विस होगा। अब इसको गीजर को उठा कर वाशरूम ले जाएंगे। पूरा अंदर में कचरा बढ़ गया है, चूना टाइप का, इसी वजह से पूरा पानी में ज़्यादा साउंड आता है, पानी स्मेल करता है, पानी गंद आता है, इसी वजह से बदन में इचिंग होता है। अगर ये पानी से नहाइएगा बीमार पड़ जाइएगा, बदन पूरा इचिंग होगा, जख्म हो जाएगा। अधिकतर ये बरसात के मौसम में अधिकतर होता है। अब हम लोग इसको साफ करेंगे, जितने भी डस्ट लगा हुआ एलिमेंट में, डस्ट को पूरा सर्विस करेंगे अच्छे तरीके से ब्रश के जरिए। गैस को फिर धो लेंगे पहले, इसके रख दिया है। अब हम लोग इसको पानी मार कर साफ कर देंगे, पानी मार कर। या इसमें हारपिक या सरफ या कोई भी चीज़ मिलता है, इससे आराम से हम साफ कर सकते हैं। इसमें देखिए, अंदर में जितना भी डस्ट रहेगा या कचरा रहेगा, स्मेल वगैरह करेगा, सब ये निकल जाएगा। बस काफ़ी एक ट्यूब दो ट्यूब अंदाज से वो डाल दीजिए।
पानी इसमें लाऊंगा यार। जहां तक हाथ पहुंचता है हल्का हल्का साफ कर दिया जाए। देखिए इसमें कितना ही कितना डस्ट है, वहां डस्ट हाथ में आया होगा। इसको कपड़ा के जरिए घुसेगा वहां तक धर के इसको। देखिए पानी के टीडीएस जहां पर ज्यादा होता है वहां पर यह चीज प्रॉब्लम होता है। एलिमेंट कॉपर का होता है ना, उसके वजह से वो चीज प्रॉब्लम करता है। इसको थोड़ा सा ठंडा भाप करके हिला देंगे और डस्ट को निकाल देंगे। इतना ढेर सारा गंद निकल रहा है इसमें। क्या पानी मारो जैसे पूरा वो अंदर में जितना है सब क्लीन हो जाए। गैस देखिए इसमें गैस कितना बैठा हुआ। अब हम लोग इसको इवेंट को वॉश करेंगे। वॉश करेंगे वॉश करने से पहले इसको हम साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर पूरा साफ होगा ऐसा वो ब्रश ले सकते हैं, ऐसा तार ले सकते हैं। आपको किचन किचन में मिल जाएगा, किचन से साफ करने के लिए बर्तन धोने वाला शान से आराम से साफ हो जाता है। देखिए ठोस बढ़ गया। देखिए इसके वजह से पूरा ये इसमें पूरा रस्ट लग गया है, कार्बन लग गया है। इसको हटा देंगे हम। यहाँ पर टीडीएस पानी का ज्यादा है। हटाने से पहले क्लिप को हटा लेंगे। ये हाथ से खुल जाएगा। रिमूव हो गया और हमने इसको अच्छे तरीके से, ये एंड्रॉयड रॉड है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। इसी की वजह से आपका पानी में स्मेल होगा। टीडीएस जहाँ पर पानी जहाँ पर टीडीएस ज़्यादा होता है इसी की वजह से आपका पानी गंदा आएगा, पानी में स्मेल आएगा, पानी बहुत ही ज़्यादा महकेगा, बदबू बदबूदार आएगा और इसी की वजह से आपको बदन में खुजली होगा, इचिंग होगा। पानी को पानी में पूरा चल जाता है, पूरा गंदगी हो जाता है। और इसमें क्या है बहुत ज़्यादा साउंड आता है पाइप में। देखिए बहुत सारा बोलता है कस्टमर बोलता है साउंड प्रॉब्लम है और चलता तो खोलने का आवाज आता है, लेकिन इसकी वजह से ही होता है सारा चीज़। ये तो अभी ये पूरा गल गया है, पूरा ये ठोस बन गया है। इसको हटा दिया जा, इसको जहाँ पर होता है इसको रिमूव कर देंगे, हट जाएगा ये डायरेक्ट एलिमेंट में लग जाएगा। वो इसका क्लियर हो गया है। अब हम लोग एलिमेंट को फिटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग करेंगे। एलिमेंट कैसे फिटिंग होता है, पूरा उस एलिमेंट साफ हो गया। एलिमेंट लगाने से पहले सबसे पहले गैसकेट लगाएंगे। बिना गैसकेट एलिमेंट लगाएंगे तो पानी लीकेज करेगा। सही तरीके से बैठाकर ये एलिमेंट हो गया आपका। बिना गैस के एलिमेंट लगाइएगा तो दिक्कत करेगा। एलिमेंट बढ़ गया। अब एलिमेंट कवर लगाइए, एलिमेंट गार्ड रहता है ये।
ये एल्यूमिनियम को टाइट करके रखेगा, पानी से लीकेज से बचाएगा। बढ़ गया। अब वाशर है इसका, अब वाशर लगाना शुरू करेंगे। डबल वाशर है, छोटा एक बड़ा। ऐसे सब बराबर बराबर टाइट हो जाएगा। बराबर बराबर टाइट करना है, बराबर टाइट नहीं रहेगा पानी लीकेज करेगा। फिट हो गया है, ये जितना है 6 यूनिट है, 6 यूनिट पूरा फिट हो गया है। फिट होने के बाद अब इसको हम लोग वायरिंग करेंगे, इसका पूरा वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने से पहले इसमें 2 गार्ड होता है केल वाला, इसको हम लोग लगा लेंगे। एक नट है, नट को टाइट कर लेंगे। अब हम लोग वायरिंग करेंगे। वायरिंग किस तरह से होता है, देखिए दोस्तों, ये थर्मोस्टेट हो गया आपका, ये कट आउट हो गया, कट फिटिंग हो जाएगा। देखिए ये रिसेट कट आउट हो गया आपका, जिसे ड्राई मोड में गीजर चलता है ना ऑटोमेटिक ये बंद कर देता है, तो ये बाहर आ जाता है, इसको पुश करना पड़ता है। ये रिसेट हो गया आपका, ये कट आउट टाइट हो गया। अब एलिमेंट को फिटिंग करेंगे। ये आपका एलिमेंट का कनेक्शन हो रहा है। अब गीजर को फिटिंग करेंगे। लेवर बढ़ा के बैठाएंगे, बढ़ गया। ये आपका इनलेट हो गया है, और उसमें निकाल देंगे पानी। प्रेशर कम है इसकी वजह से एनआरवी बल्ब नहीं लगा, इसलिए आपका ये फर्स्ट फ्लोर है, वही टॉप फ्लोर हो गया, प्रेशर एक भी नहीं है। अगर एनआरवी बल्ब लगाते हैं तो प्रेशर नहीं जाएगा, पानी बहुत लेट लगेगा, पानी नहीं भर पाएगा। बिना एनआरवी बल्ब का यह आपका इसमें टाइट हो जाएगा। इसलिए नहीं लग रहा, ये आपका टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर में पानी का प्रेशर बहुत ही स्लो है, तो इसकी वजह से एनआरवी बल्ब जो जिस प्रेशर से पानी खींचता है वो प्रेशर पानी नहीं खींच पाएगा। वो यहाँ पानी पूरा भर गया है, यहाँ पूरा पानी भर गया है, जिसको ऑफ कर देंगे यहाँ से आउटलेट बंद हो जाएगा। अब उसको लोग आउटलेट को, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।